हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ लंच बॉक्स की रेसिपी। और आज मैं जो लंच बॉक्स में रखूँगी वो होगा बीट रूट चीला, और साथ में और भी चीज़ें रखने वाली हूँ। और ये कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, खास करके बच्चों को बीट रूट जो होता है बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आज हम बस इसको इस तरीके से बनाएंगे, बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे इसको खाना। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले ली है। मूंग की दाल मैंने रात को ही भिगो दी थी क्योंकि मुझे लंच बॉक्स में अपनी बेटी को देना था ये चीला बनाकर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको रगड़ कर इसके जो छिलके हैं वो सारे हटा दिए थे और पानी डालकर 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। बस मूंग की जो दाल है एकदम साफ़ है। और मैंने क्वांटिटी में ये ली है 1/2 कप। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें 6-7 चीले आराम से बन जाएंगे इतनी दाल में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्च और 3-4 लहसुन की कली ले लेंगे। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसके भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हरी मिर्च को आप अगर खाते हैं तो ही डालें, मतलब कि आपके बच्चे अगर नहीं पसंद करते हैं तो ना डालें। लेकिन आप इसमें काट करके, मतलब कि मिक्सी में पीस देंगे हरी मिर्च को तो बच्चे खा सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी आदत भी होनी चाहिए हरी मिर्च खाने की। तो मैंने यहाँ पर एक चुकंदर को इस तरीके से कट करके डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और जो बच्चे जैसे खाते नहीं हैं तो इस तरीके से खाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। हम जो बनाएंगे हमारा जो चुकंदर का चीला बनेगा ना, बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाला है और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे इसको, मतलब कि अच्छे से पीस लेना है इसको। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। ऐसे देखने के बाद बच्चे एकदम से मतलब कि खाने को तैयार हो ही जाएंगे। जब ये बनकर तैयार होगा तो कोई भी बच्चा इसको खाने को मना नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम इतना बारीक हमें पीसना है। और जो ये जो घोल है बस हमें इतना पतला ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हम बेसन डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे साबुत, और थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। हरी मिर्च हमने पीस ली है तो जो मिर्च है थोड़ी सी कम ही डालें। यहाँ पर 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी हम हींग डालेंगे। हींग ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो ही डालें। वैसे तो हींग बहुत ही अच्छी होती है पेट के लिए, तो बच्चों को देंगे तो ज़रूर डालें हींग। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम अच्छा सा घोल बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से हमें घोल को बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम गैस को कर लेंगे ऑन, और मैं यहाँ पर बनाऊंगी लोहे का जो तवा होता है उस पर। आप नॉनस्टिक तवा भी ले सकते हैं, इस पर बिल्कुल भी जो चीला है नहीं चिपकेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बस इस पर थोड़ा सा घी लगा देना है देसी, बस एक बार ही घी लगाना है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट घोल को डालकर चीला बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने चीले को बस 1 चमचा जो घोल है वो डाल दिया है और अच्छे से घुमाते हुए इसको बना देना है। तो यहाँ पर हमारा जो चीला है दोस्तों एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, और बस इसको आराम से पलट देना है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जब चीला बनाएं तो एक बार बस आपको थोड़ा सा तवे पर घी लगा लेना है ताकि ये बिल्कुल ना चिपके। एक बार घी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसको पलटते हुए घी लगा देना है और दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेक गया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बना है चीला। तो इस तरीके से बनाएंगे, बच्चे बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते। और दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, धनिया भी आ गया है, जैसे हरा धनिया आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और मूंग दाल, सारी चीज़ें हमने अच्छे से पीस ली हैं। तो इसमें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं इसको, लंच में भी ले जा सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खाने में इतना टेस्टी लग रहा था ये।
तो दोस्तों अपने लंच बॉक्स के अकॉर्डिंग इसमें आप चीले रख सकते हैं। जैसे कि अगर बड़ों को लंच बॉक्स लेके जाना है तो कम से कम 6 चीले रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्का है ये, खाने में बहुत ही लाइट है। इसको मतलब कि 4-5 भी खा लोगे तो इससे पेट नहीं भरेगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स में 3 चीले रख दिए हैं। बस ये थोड़ा सा एक कौर होता है वो तोड़ दिया था। और यहाँ पर मैंने दही रखा है, इसको आप दही और चटनी के साथ साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ में मैंने एक केक रख दिया है चॉकलेट वाला, और मैंने सॉस भी रखी है क्योंकि मैंने चटनी नहीं रखी है। तो आप इसको चटनी और दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट